क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो इसे जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तो इंसान ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देती हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है और मनुष्य ने इस मशीन की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे कि उनकी स्पीड, उनका साइज, उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। एक नए डोमेन का सामने आना, जिससे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नाम से जानते हैं, जो कि मूल रूप से कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है और जिसका मुख्य काम यह है कि इंटेलिजेंसी मशीन बनाए जो कि मनुष्य के जैसे ही बुद्धिमान हो, जिसकी अपनी डिसीजन लेने की क्षमता हो। इससे यह हमारे काम और भी आसान कर देगी। यह खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है और इस प्रकार में तीन प्रोसेस शामिल होते हैं, और वो है पहला लर्निंग, जिसमें मशीन के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वह उन रूल का पालन करके किसी दिए गए अर्थ को पूरा करे। और दूसरा है रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीन में यह इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन रूल का पालन करके रिजल्ट की तरह अग्रसर हो, और जिससे कि उन्हें एप्रोक्सीमेट और डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में सबसे पहले जॉन मैककार्थे ने दुनिया को बताया था, और वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज यह एक पेड़ की तरह बहुत ही बढ़ गया है और सारी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक तक सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डाटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है। इसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज, वैरायटी ऑफ डाटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI, एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, कुछ ऐसे सिस्टम को बनाना जो कि इंटेलिजेंसी बिहेवियर प्रदर्शन कर सकें, जो कि लर्न कर सकें, डिमॉन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, इसके साथ ही अपने यूज़र्स को एडवाइस कर सकें। ह्यूमन इंटेलिजेंसी को मशीन में इंप्लीमेंट करना, ऐसे सिस्टम बनाना जो कि इंसानों की तरह समझ, सोच, सीख और बिहेव कर सकें। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन इसको दो मुख्य टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वीक AI एंड सेकेंड है स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI को नैरो AI भी कहा जाता है। इस AI सिस्टम को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यह केवल पर्टिकुलर एक ही टास्क कर सके। सेकेंड है स्ट्रॉन्ग AI। इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी कहा जाता है। इस प्रकार के AI सिस्टम में जनरलाइज्ड मनुष्य की बुद्धि होती है, और जिससे कि यह समय आने पर किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। एग्जाम्पल ऑफ AI टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वे हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क को आसानी से कर सके। मशीन लर्निंग एक ऐसा विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के काम करता है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक भाग है जिसमें प्रोडक्टिव एनालिटिक्स को ऑटोमेटिक किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है रोबोटिक्स, जिसमें कि रोबोटिक्स की डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसे काम में जो कि इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं, जिसमें रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इन एप्लीकेशंस। AI इन हेल्थ केयर। AI का सबसे बड़ा इस्तेमाल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होता है, जहां सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कैसे हम पेशेंट का बेहतर इलाज कर सकें, और वो भी कम से कम लागत में। इसलिए अब कंपनीज AI का इस्तेमाल हॉस्पिटल में कर रही हैं। AI इन बिजनेस। रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन की मदद से अब हाईली रिपीटिव टास्क को अब मशीन के द्वारा किया जा रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को अब एनालिटिक्स और CRM प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। AI इन एजुकेशन। AI की मदद से अब ऑटोमेटिक गार्डनिंग किया जा सकता है, जिससे कि एजुकेटर को ज़्यादा टाइम
पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने में मिल सके। AI की मदद से कोई भी छात्र को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। AI इन फाइनेंस, AI की मदद से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को काफ़ी लाभ मिल रहा है, क्योंकि कंपनीज़ को पहले डाटा एनालाइज में पहले खूब पैसा और समय इन्वेस्ट करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता है, तो AI ही सब कुछ कर लेता है और इन्वेस्टर्स का टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। AI इन मैन्युफैक्चरिंग, AI का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी खूब ज़ोरों से हो रहा है। पहले जिस काम को करने के लिए सैकड़ों लोग लगते थे, अब रोबोटिक्स के द्वारा किया जा रहा है और उसमें बहुत कम पैसा लगता है। आपको यह वीडियो देख के पता ही चल गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कर हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।